एवरीवन वेलकम बैक टू मंथ की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मैग्नम ओपस, द फ्यूचरिस्टिक फिल्म दैट एवरीवन इज वेटिंग फॉर, प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखो प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज का वेट तो बहुत दिनों से हो रहा है कि कुछ अपडेट पता चले, लेकिन कुछ वैसा अपडेट निकल के आ नहीं रहा था। प्रभास का भी शूटिंग का अपडेट बीच में एक दो दिन पहले शायद कुछ ऐसा सुनने में आया था कि यस जॉइंड द सेट, फिर हम पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वैसा पता चला नहीं। लेकिन हाँ शूटिंग चल रहा है इतना हमको पता चल पाया था, और बाकी हम लोग तो वेट ही कर रहे थे। और एंसेंबल कास्ट होने वाला है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज नया एक एडिशन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले टू द कास्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियोज में बहुत कुछ बात करी है, अभी तक जितना कुछ हुआ है लगभग सारा कुछ मेरे चैनल पे आपको डिस्कस्ड मिलेगा वीडियोज में। और उस एक वीडियो में हम आपको ये भी बताए थे कि इसका कास्ट बहुत हैवी होने वाला है, बजट तो हैवी होने वाले हैं, उसमें से लगभग 200 करोड़ तो सिर्फ रेन्यूमिनेशन में जाएगा ऑफ डिफरेंट एक्टर्स। बहुत बहुत इंडस्ट्री से आपको अलग अलग एक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। उसी में एक नया एडिशन हुआ है, दैट इज दिशा पाटनी। यस दिशा पाटनी बॉलीवुड से एक और चेहरा आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट के में। अब इससे पहले प्रभास तो हैं, इज अ ग्लोबल स्टार नाउ। बच्चन साहब बताने का जरूरत नहीं, मतलब लिविंग लेजेंड वो भी है इसमें, दीपिका पादुकोण है। तो ये तीन जो है अभी तक के फिक्स थे, अब एक नया एडिशन हो गया उसमें दिशा पाटनी का। हालांकि मेकर्स ने अभी तक पोस्ट नहीं किया ऑफिशियल, लेकिन दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी में डाल दिया है, और उसी के बाद से शी इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। और आप देख सकते हैं इसमें कि वेलकम ग्रीटिंग कार्ड है टीम ऑफ प्रोजेक्ट की, उनको वेलकम किया है अलोंग विद फ्लावर्स एंड ऑल। सो एक नया एडिशन हो चुका है। अब बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि प्रभास ज्वाइन करेंगे सेट्स को। देखो उनका, उन्होंने खुद ही बताया था कि उनका एक लगभग 7-8 दिन का एक सोलो शेड्यूल है जिसमें उनके सारे पोर्शन शूट किए जाएंगे। तो वो कब से होता है कुछ एग्जैक्ट पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन दिशा पाटनी के जो इंट्रोडक्शन है उससे आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो, खुश हो या फिर नहीं, आप जरूर बताना। हम अपना ओपिनियन अगर बताएं तो देखो ऑनेस्टली ग्लैमर क्वेश्चन दिशा पाटनी काफी ज्यादा हैवी लेके आएंगी, और क्योंकि उनका फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, और एक टाइम पे वो नेशनल क्रश हुआ करती थी, हमको याद है जब 2016 के आसपास का बात है उस समय। देखो जहां तक एक्टिंग पावर्स का बात है तो एक्टिंग में हम बहुत ज्यादा रेट हाई नहीं करते हैं दिशा पाटनी को, इसीलिए हमको लग रहा है कि मतलब ये एडिशन सही है या नहीं। खैर मेकर्स हम कौन होते हैं बताने वाले, मेकर्स को पता है कि वो किस रोल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रोल अभी स्पेसिफाइड नहीं है कि किस रोल में है, लेकिन और भी बहुत सारे कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली क्या रोल है, हो सकता है उस रोल के लिए दिशा पाटनी एकदम परफेक्ट फिट हो, इसीलिए उनको कास्ट किया होगा नागाश्विन ने। लेकिन हमको एक्टिंग उनका अभी तक वैसा कुछ निकल के नहीं आया है किसी भी फिल्म में। MS धोनी में थोड़ा ठीक ठाक लगी थी, लेकिन उसके अलावा बाकी उनका काम एवरेज ही लाया। ग्लैमर क्वेश्चन जरूर वो लेके आएंगी, बट स्टिल देखते हैं कि किस तरह का रोल उनको दिया जाता है, कितना बड़ा रोल होता है, छोटा सा रोल है या फिर क्या है, बट देखते हैं। अब जैसे ही कुछ पता चले हम आपको जरूर बताएंगे। सो दिशा पाटनी के एडिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है ये सही फैसला है या नहीं, जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। और कितना एक्साइटेड हो प्रोजेक्ट के लिए वो भी बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बेल आइकन दबा देना। और कुछ बात करनी है इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां भी मैसेज कर सकते हो। और मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।